दादा सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया बाबू, देखी ना अनाज पताई भैंस बेच के पैसा धैल रही 40,000 रुपया उठी नहीं पाव तो पतो एगो बगड़ाई रहे आदमी के गेहूँ काटे गई लड़ी जा भैंस बेच के 40,000 रुपया रख ला। हाँ 40,000 भैंस बेच के रख ला। पूरा जिंदगी के पूजिए खत्म हो गई, पूरा खत्म हो गई। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। सिरपत नगर पश्चिमी चंपारण का एक गांव है और ये सटे कुशीनगर के समीप नगर पंचायत छितौनी के समीप का एक गांव है और ऐसा आग का तांडव मचा कि 40 से ज़्यादा घर जल गए और ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं। और देखिए ट्रैक्टर जल गया है, ये मोहन बिंद जी का ट्रैक्टर है, नया ही ट्रैक्टर लाए थे अभी कि रोजी रोटी का जो है साधन बनेगा और 2 रुपया कमाएंगे फिर परिवार के लिए होगा। कब लाए थे ट्रैक्टर खरीद के? 6 महीना हो गया। अच्छा कितने का लाए थे? 5 लाख का। 5 लाख जल गया पूरा ट्रैक्टर, बड़ा नुकसान हो गया आप लोग का। हाँ इंश्योरेंस वगैरह कराए थे? हाँ बात किए इंश्योरेंस वालों से क्या? हाँ वहाँ बात करेंगे तो इंश्योरेंस का जो है आपको लाभ मिल सकता है। पूरा घर भी जल गया आपका? हाँ, ये आपका घर था? हाँ, वो भी है। अच्छा अच्छा पूरा पूरा खाक हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा ना? ना कुछ नहीं बचा, पूरा जीवन भर की पूंजी जीवन भर की मेहनत सब कुछ खत्म हो गया। हाँ ये देखिए, और आग की शुरुआत भी यहीं से हुई थी? हाँ यहीं लगा था। कैसे आग लगा था मालूम नहीं, कोई घर नहीं क्यों ना रहा। अच्छा घर में कोई नहीं था, अपने आप आग लग गया? कैसे गैस खोल के तो नहीं? गैस नहीं जरा तो नहीं। अच्छा गैस था ही नहीं। अच्छा तो यही आग लगा? हाँ, सब कुछ खाक हो गया? हाँ, अच्छा पैसा वैसा जेवर वेवर सब जर गए बाबू, एक तो कुछ नहीं खे। अब किस तरह जीवन चलेगा इसका ही संकट है। कैसे रही जा, टटर किन लरानी कोई से खाब जा कमाब जा, तो वो जर कुछ भी नहीं बचा, कागज पत्तर जेवर धान गेहूं कुछ भी चाउर आटा पिसान सब। अच्छा, ये आग यहीं से लगा और देखिए विपत्ति का कहर किस तरह टूटा है कि यह पूरा गांव जो है इस वक्त दर्द में है, सदमे में है। यहां देखिए जहां दूर दूर तक जाएंगे तो 40 से ज़्यादा घर जले हैं और सबके घर की स्थिति ऐसी है कि एक मुट्ठा अन्न भी नहीं। आपका भी सब कुछ खाक हो गया? हाँ कहाँ थे आप लोग? सिरपत नगर से। नहीं कहाँ थे जब आग लगा? तो कहाँ गए थे? खेत में पानी पटाने के लिए। पटाने हाँ। जब उधर से आए तो सब कुछ जल गया, पूरा खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। नहीं तो बताया था आने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं, सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला, नहीं मिला। नेताजी लोग आ रहे हैं फोटो खिंचा के चले चले जा रहे हैं। जब इस गाँव में आप आएंगे तो दूर दूर तक ऐसी ये दुर्भाग्य स्थिति कह सकते हैं कि गांव की आधी आबादी 40 से ज़्यादा घर जले हैं और कुछ घर की हालत तो ऐसी है ना कोई वहां कमाने वाला है और ना कोई आस है। अब मुझे लगता है वो जिम्मेदारी समाज की है, समाज के लोग किस तरीके से इस गांव वालों की मदद करते हैं। दूर दूर तक देखेंगे तो यही स्थिति है, बड़ी भयावह स्थिति है, 40 से ज़्यादा घर जले हैं और हर कोई इस समय जो है एक तरह से अनाथ की स्थिति में जी रहा है। पूरा गांव ही एक तरह से कहें कि अनाथ हो गया है और कुछ समाज सेवी लोग देखिए यहाँ नगर पंचायत छितौनी की तरफ से भोजन बनवाया जा रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है कि ऐसे वक्त में अपने समाज के लिए मदद करना ये बड़ी अच्छी बात है। आपका घर है ये? हाँ जी। अच्छा सब कुछ जल गया आपको? हाँ देखिए सब। अच्छा शादी था क्या घर पे? हाँ शादी रहा है। किसकी शादी थी? लड़की के। सब कुछ खराब हो गया ना? सगरी खराब हो गई, कि बर्तन भरिया किन के धराइल रहा देवे के पतो एक रहा अलगे उनके सामान सारी खराब हो गए जर के। कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचल, वे हमारे घर में सुई नहीं के निकल के घर में नहीं रहा है। अब घर की क्या स्थिति है? अब घर के कुछ है ले नहीं तो क्या स्थिति बा? चूल्हा जल जाए वही मुश्किल है। हाँ कैसे भोजन मिल जाता है वह ठीक है बाटे। कोई समाज सेवी नेता सांसद विधायक आए थे? हाँ अब आओ तो नहीं जानते। हाँ जब मदद करते जनता करते बानी है।
आश्वासन दी। हाँ, बाकी शासन द्वारा सरकार द्वारा कोई मदद देते, मुआवजा लेखपाल आते हैं फिर वो मुआवजा मिलता है, था कुछ हुआ नहीं? नहीं, मुआवजा वावजा कुछ नहीं मिलता तब, कुछ नहीं मिला ना। अच्छा, कैसे आग लगा था ये? आग लगल बहुने से। अच्छा, कितना घर जल गया लगभग? हमारे बुझाता 40-50 घर जरिए गए, 50 घर जल गया, यानी एक तरह से कहें आधा गांव खाक हो गया है ना, ये भी पूरा जल गया है। कहाँ थे आप लोग जब आग लगा? गेहूँ कट गए हैं, गेहूँ कट, उधर था तो देखे सब जल गए। हाँ, पूरा कुछ बचले नहीं रहा, पूरा जल गए तो का करे, सब खत्म हो गए, खत्म हो गए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बानी दूगो लड़का बना, एगो लड़की नी मालिक बने। पूरा जीवन भर के पूजी जो है लड़के? हाँ, पूरा जीवन। क्या नाम है आपका? हमारा फरोजना देवी। ये रोजना देवी हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक घर है। और देखिए किस तरीके से जो है यह गांव की स्थिति इतनी भयावह हो गई है आग लगने के कारण। उस साइड में आप देखेंगे 40 से ज़्यादा घर जले हैं, और दूर दूर तक आप देखिए सिर्फ जो है दर्द पीड़ा दुखी है। और चाचा आपका भी घर जल गया है? पूरा जल गया? पूरा जल गया। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। कितना घर जला होगा लगभग? लगभग यहाँ 40 घर है। 40 घर, आधा गांव का है? तो आधा गांव है। कोई नेताजी सामाजिक लोग कुछ मदद करने? नहीं, बिहार का तो कोई नहीं है। एक सांसद आए थे, वो भी अपना आश्वासन देकर चले गए। आश्वासन देकर चले गए? कुछ नहीं। हाँ। बिहार के नेता नहीं है, लेकिन यूपी के लोग, यूपी के बहुत लोग आए हैं। देखिए बिहार के नेताओं को जो है यूपी के लोगों से सीखना चाहिए। राज आलम आए थे, वो भी अपना कुछ किए। बाजार के लोग आए थे, वो भी कुछ किए। अशोक निषाद है, आज 3 रोज से खाना चल रहा है। जी, हाँ, नगर पंचायत छितौनी की तरफ से जो है भोजन चल रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये इस तरह की हालत है। तो यूपी के लोग मदद कर रहे हैं। बाबा भोजन मिलल है? खाना ना खनी अभी? अभी नहीं, अभी खाना बना था ना वही जा। हाँ। अच्छा, सब कुछ जल के खाक हो गए ना? हाँ। कुछ बचल नहीं बा ना? पूरा जीवन भर के कमाई खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो, खत्म हो गई। तो यही हालत है, चारों तरफ आप जाएंगे देखेंगे इसी तरीके से जो है यह गांव जो है एक तरह से ऐसी हालत हो गई है कि बंजारे वाली स्थिति हो गई है इस गांव में। हाँ, और सब कुछ ख़त्म हो गया है। इनके देखिए एक दादा जो है जले हुए खंभे को जो है सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ काम बन जाए। दादा सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया बाबू, देखी रहो अनाज पताई भैंस बेच के पैसा धैल रही 40,000 रुपया। उठी नहीं पाव तो पोतो एगो बगड़ाई रहे आदमी के गेहूँ काटे गए आदमी जा। अच्छा, भैंस बेच के 40,000 रुपया रख ले? हाँ, 40,000 भैंस बेच के रख ले। पूरा जिंदगी के पूजिए खत्म हो गए? पूरा खत्म हो गई। बड़ा मुश्किल से जो है किसी तरह से जो है 200-500 कमा के जोड़ के रखे होंगे। हाँ। कौन कौन है परिवार में? परिवार में कौन बेटा पतो ही बाड़ी लो। अब कुछ बचले नहीं बटे? कुछ नहीं था बचा, रुपया पैसा। हाँ, जहवा रहा गेहूँ चावल। हाँ, अरे देखी ना उस समय नहीं बा कोनो अंधे थोड़ो बा। तो ये हकीकत है। क्या नाम है आपका? छठू। छठू जी का घर, आंखों में देखिए आंसू आ गया कि 40,000 रुपया रखे थे, भैंस बेच के रखे थे और सब कुछ पूरा जीवन, ताकि ये गरीब आदमी का जीवन का जो सबसे बड़ा सपना होता है और उसकी सबसे बड़ी जो पूंजी होती है उसका मकान ही होता है। पूरा जीवन कमाता है तो बड़ा मुश्किल से घर बनवा पाता है, बड़ा मुश्किल से बेटी की शादी कर पाता है, बड़ा मुश्किल से बेटे की शादी कर पाता है। यहाँ देखिए ये अनाज, गेहूँ, सरसों, ये मसूरी सब कुछ ख़त्म आ गया। ये इसी पेटी में बता रहे हैं दादा कि 40,000 रुपया रखे थे। हाँ, और सब कुछ जल के खाक हो गया और सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिखो सोना चांदी? हाँ, 6 थान रहा बाबू बिखो। अच्छा, 6 थान बिखो में एको हमने के सारी ये पेटी में कुछ ना बचल? कुछ ना बचल, बर्तन भरिया बनावे खाए का ना, मसूरी तोरी तीसी धान सारी बर्तन भरिया सारी लुगा कपड़ा सारी। हाँ, 40,000 रुपया भैंस बेच के धैल जल गए? वो जल गई।
सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई, यही स्थिति है। अब मैं अपील करूंगा आप सभी लोगों से कि हो सके तो इस गांव में आइए, इन परिवार वालों की मदद कीजिए। यहाँ देखिए फूल का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, इसमें फूला बर्तन है, जेवर है, सब जल के ख़त्म हो गया। हाँ ये देखिए सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ दूर दूर तक देखेंगे और सब कुछ सब ख़त्म हो गया, और शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। कुछ समाजसेवी यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से आके मदद कर रहे हैं। यह जगह का नाम बताऊँ, ये शिरपत नगर है, पनियाहवा के जस्ट बगल में है। पनियाहवा नगर पंचायत छितौनी से जो है 2-3 किलोमीटर दूरी पे है। और दुख की बात यह है कि यह बिहार प्रदेश में आता तो है, लेकिन बिहार का कोई नेता, कोई समाज सेवी अभी कोई मदद करने नहीं आया। यूपी के लोग कुछ मदद कर रहे हैं, इनके आँखों आंसू जो है पोसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग चुनाव में व्यस्त हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं गरीबों को। आप यह देखिए, ये स्थिति देखिए, इस तरह की स्थिति देखिए। किसी किसी का घर तो ऐसा है कि जहाँ कुछ बचा ही नहीं है, जहाँ सब कुछ ख़त्म होने जैसा है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मेहनत करके घर बनाए, घर भी ख़त्म हो गया और ज़िंदगी भी अब ख़त्म होने जैसी लग रही है। यहाँ आप देखेंगे एक अनाज, ये ट्रंक, ये घर, और ज़्यादातर जो घर है इसमें वो गरीब परिवार के लोग हैं। मैंने आपको मैं बताऊं कि ज़्यादातर जो 40 घर हैं उसमें ज़्यादातर जो घर हैं वो ऐसे लोगों का घर है कि कुआं खोदना और पानी पीना है, यानी दिन में मजदूरी नहीं करेंगे तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। 40 से ज़्यादा घर यानी आधे गांव की स्थिति यही है। ये समान है जो अच्छा उसकी शादी, अच्छा आप ही का घर है? हाँ हमारा घर। अच्छा सब खत्म हो गया, क्या लड़की बाड़ी तुहार? दो लड़की, एक कैला रहने का कोदल बनी, एक के ठो बाड़ी। अच्छा घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं? के जना मालिक बना लंगड़ हो गल बना, 3 बरस देख पूछी ना। विकलांग है पति जो है आपके? विकलांग है। अब बेटी का देखौकी की था ना अभी? हाँ, बता रही थी। हाँ, 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 सुकुवे के देखौकी, शुक्रवार को इनकी बेटी का देखौकी था, इसको इंगेजमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाए, बड़ा ही तो दुखद स्थिति। अब सब कुछ खत्म हो गया, जो पैसा रुपया जेवर खरीदी थी बेटी के कुछ लिए पाल मिलल बा सरकार की तरफ से, यह पाल मिला। लेकिन दुखद स्थिति इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग आके मदद कर रहे हैं, समाजसेवी मदद कर रहे हैं, बिहार का कोई नेता, कोई नेता, सब चुनावी जुमलेबाजी में व्यस्त हैं और इस सिरपत नगर वालों के इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जैसे यह लोग बिहार के है ही नहीं, जैसे यह लोग अनाथ लोग हैं, इनका कोई है नहीं। बातें तो नेताजी लोग मंच से बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, आज भी गरीब दुखिया का दुख कोई जो है सहने वाला, सुनने वाला नहीं है। तो बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, आग लग गया, सब कुछ खाक हो गया। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता है, संगीता की बेटी की शादी थी, एक बिटिया की शादी हो गई थी, दूसरी बिटिया की शादी की तैयारी कर रही थी, शुक्रवार यानी 1-2 दिन बाद इंगेजमेंट होना था, सब खत्म हो गया। इधर बगल में भी किसी का घर है, ऐसे तमाम घर जो हैं अलग अलग नाम है और सबके चेहरे पे एक ही दर्द है कि अब जीवन कैसे पार लगेगा, अब मेरा घर कैसे बनेगा, अब मेरे घर के सपने कैसे पूरा होंगे, क्योंकि जो जमा पूंजी थी, जो पैसा रुपया जेवर बर्तन सब कुछ ख़त्म हो गया। 40 से ज़्यादा घर जल गए, आधा गांव कहें तो खाक हो गए। मैं एक अपील करूंगा कि अगर आप सब लोग इस परिवार की, इस गांव के लोग की मदद करना चाहते हैं तो ये सिरपत नगर आइए। सिरपत नगर पनियाहवा यानी छितौनी नगर पंचायत से 2-3 किलोमीटर बाद है, और यथाशक्ति जो मदद करना चाहें मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपकी मदद की दरकार है और इस वक्त जो आप मदद करेंगे बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी गरीब के विपत्ति के समय में साथ खड़ा होने वाला सबसे महान आदमी होता है। तो ये सिरपत नगर की दुखदाई कहानी है, पीड़ा की कहानी है, दर्द की कहानी है। इनके दर्द पे अगर कोई मरहम लगा सकता है तो आप सभी को मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इस गांव में आइए और इस गांव के लोगों की मदद कीजिए।